गेट क्रॉस करके हम पहुंचेंगे भूटान। भारी संख्या में लोग आ रहे हैं भूटान के लिए। दोस्तों ये मिल गई हमको एंट्री। तो ये है रिंचेनदिंग बॉर्डर। सो ही इज टीजे ब्रो। तो पब्लिक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बीरपड़ा। तो कल मैं सिलीगुड़ी से पहुंचा बीरपड़ा अपनी बाइक पे, मतलब 100-110 किलोमीटर का बहुत ही खूबसूरत रूट था। और बीरपड़ा में रहता है मेरा दोस्त चेतन, रिमेम्बर चेतन फ्रॉम लद्दाख सीरीज। तो बीरपड़ा पहुंचने का रीजन ये था कि आज, मतलब फाइनली 2.5 साल के बाद में 23rd of September को भूटान बॉर्डर हो रहा है रीओपन। मतलब वेबसाइट पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि क्या ऐसा प्रोसीजर, क्या ऐसा पॉलिसी है एंटर करने के लिए। तो इसलिए हम लोग आज जाने के बाद में वहां पर चेक करेंगे, और अगर मिलती है हम लोगों को एंट्री तो वहां पर हम लोग करने वाले हैं। तो जैसे कि बैकग्राउंड देख करके आप समझ ही गए होंगे कि मैं जा रहा हूँ चेतन के साथ कार में नहीं थार में। तो दोस्तों एथलवाड़ी से थोड़ा आगे आने के बाद में आपको एक ऐसा चौराहा मिलेगा, ये लेफ्ट पे रास्ता जाता है टुवर्ड्स गोमतू भूटान बॉर्डर, और ये स्ट्रेट वाला रास्ता जाएगा टुवर्ड्स असम एंड जयगांव। एम आई राइट चेतन? यस यस। और ये राइट कहाँ जाएगा जो राइट जा रहा है? ये आसाम भी जाता है यहाँ से मिलके, और वैसे अलीपुर द्वार फालाघाटा। तो दोस्तों यहाँ से 30 किलोमीटर और आगे जाने के बाद में लगेगा जयगांव बॉर्डर। मतलब जयगांव जो है वो इंडियन साइड पर, आप जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हो तो उधर वाली साइड पर है पुंसलिंग। मतलब मैं बहुत ज्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड करना चाह रहा, मैं चाह रहा वहीं जाने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जाए। यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है, अगर आप सिलीगुड़ी से आते हो तो मतलब एकदम सीधा नाक की सीध में आपको चलना है, कहीं पे मुड़ना नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट जयगांव में एंट्री हो चुकी है। तो दोस्तों मतलब यहां पर आने के बाद में ऐसा पता चला है कि भूटान बॉर्डर एंटर करने के लिए अगर आप लोग बाय कार आ रहे हो तो सिर्फ एक बंदे की एंट्री है, मतलब जो कार चला रहा है सिर्फ उसकी एंट्री है, और जो को पैसेंजर है उनको लाइन में लग करके मतलब दूसरे एंड से जाना पड़ेगा। तो यहाँ से चेतन कार लेकर के अंदर की साइड जाएगा और मैं जाता हूँ दूसरे एंड पे। तो आपको मैं बताता हूँ कैसा रहने वाला है यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसीजर। तो ये इस टाइम मैं हूँ इंडिया में, और ये सामने गेट क्रॉस करके हम पहुंचेंगे भूटान के फुनसलिंग, मतलब जो अदर साइड है उसको बोलते हैं फुनसलिंग। तो यहाँ पे ऐसे कुछ जगहों हैं और वहाँ आपको करानी रहेगी एंट्री। अभी हम लोग हैं इंडियन एंड पे, और वॉल के उस साइड है भूटान। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो भारी संख्या में लोग आ रहे हैं भूटान के लिए। तो ये इंडियन साइड और वहाँ पर हैं भूटान के वॉलंटियर। तो यहाँ पर अब हमारी होगी चेकिंग, उसके बाद हमको जाना रहेगा इमिग्रेशन की साइड। तो दोस्तों ऐसे आने के बाद में अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन। तो चेतन तुम्हारा कब काम प्रोसेस हुआ, कितनी देर हो गया तुमको यहाँ आए? हाँ पासपोर्ट है तो इसलिए वो लोग ये ऐसा पेपर नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसा लाइन होना पड़ेगा और हमको जाना पड़ेगा इमिग्रेशन के लिए, टूरिस्ट जनरल एंट्री। तो पब्लिक यहाँ पे बनेगा आपका SDF, यहाँ पे मिलेगा सिम कार्ड, सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों ये मिल गई है हमको एंट्री। तो पब्लिक हमारी एंट्री हो गई है फुनसलिंग में, और यहाँ पर आप देख सकते हो चेतन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है भाई ये। मतलब रोड कंस्ट्रक्शन कितना अच्छा हुआ, एकदम क्लीन। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए अपने किसी के बारे में, लेकिन भाई थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्या बोलते हो? देखा भाई। तो दोस्तों गाड़ी की एंट्री लेने के बाद में कहीं तो चेतन ने करी कार पार्क, और यहाँ पर ये ऐसे ग्रोसरी स्टोर है। चेतन पानी के साथ और क्या ले रहे हो भाई, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक है कुछ यहाँ पे? कोल्ड ड्रिंक तो मिल जाएगी, तो सारे ज़्यादातर इंडियन प्रोडक्ट वहाँ पर, राजश्री भी मिल रहा है भाई, कानपुर के लोग खुश रहेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से कुछ ऐसा रिफ्रेशमेंट वगैरह कलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपको मतलब इजीली इंडियन करेंसी भी एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ की जो करेंसी उसको बोलते हैं न्यूट्रम, राइट सर? न्यूट्रम। और जो रुपी वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम इंडियन करेंसी और भूटानी करेंसी की। तो हम लोग यहाँ से पहुँचते हैं कार के पास में, मतलब एकदम पसीने पसीने हो गए। तो दोस्तों कुछ ऐसी दिखती है भूटान की करेंसी, और ये रहे हमारी योर मैजेस्टी। तो ऐसे होटल्स वगैरह बने हुए हैं, जैसे आप भूटान में एंट्री लेते हो वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे मार्ट्स वगैरह बने हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और ये मिल गई है हमको हमारी थार।
भाई लोग मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है फुनसिलिंग में, तो अब यहाँ से हम लोगों का प्लान है फुनसिलिंग से टूवर्ड्स थिम्पू साइड जाने का। तो मतलब कैसा रहा पूरा का पूरा प्रोसीजर, कैसे आपकी होगी एंट्री, आप बने रहे वीडियो में। मैं एक बार पहुंचने के बाद होटल में आपको पूरा बताता हूँ प्रोसेस। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम कहाँ, होटल के रूम से। तो दोस्तों अब बात करें, अगर आप लोग इंडिया से भूटान आना चाहते हो तो क्या है पूरा का पूरा प्रोसीजर। तो भूटान एंट्री के लिए आपका सिर्फ ओरिजिनल वोटर आईडी और पासपोर्ट वैलिड है, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। बाकी यहां पर आप लोगों को आने के लिए कराना रहेगा अपना प्री रजिस्ट्रेशन, जिसके बाद में आपको ऐसा बारकोड टाइप का मिलेगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप लोग ये चीज खुद से नहीं करना चाहते हो तो जयगांव जो कि इंडियन एंड का बॉर्डर है, वहां पर काफी सारी शॉप है जो 20-30 रुपए लेकर के आपका ये काम कर देंगे। तो आज क्योंकि 2.5 साल के बाद में खुला है भूटान, इसलिए लाइन बहुत ज्यादा लंबी लगी है, लेकिन एंट्री का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हो बीएसएफ जो कि इंडियन एंड पे, उसके बाद यही चीज आपको करानी रहेगी भूटान के लिए। इस चीज का ध्यान दिएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही एक्सेप्टेड है, फोटोकॉपी स्क्रीनशॉट मोबाइल वाइल कुछ नहीं लिया जा रहा है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग गौर फरमाइएगा कि यहां पर दो डिफरेंट ऑफिस बने हैं, एक है जनरल एंट्री, मतलब अगर आप लोग सिर्फ फुनसिलिंग या आसपास में इधर घूमना चाहते हो तो उसके लिए आपका ऐसा कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप लोग जा सकते हो घूम करके वापस आ सकते हो। लेकिन अगर आप लोग एज अ टूरिस्ट, जो कि हम लोग थे, हम लोगों को जाना था थिम्पू पारो रीजन में, मतलब बेसिकली चेक पोस्ट पहला वाला रिंचिन दिन क्रॉस करना था, उसके लिए हमको पे करना पड़ा 1200 रुपए पर डे। तो हमको जाना पड़ा इमिग्रेशन ऑफिस, पहले था ये पेट्रोल पंप के पास में, लेकिन अब जस्ट एंट्री के पास में, मतलब आपको ऐसा बोर्ड दिख जाएगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। तो वहां जाने के बाद में आपका बनेगा SDF, मतलब फुल फॉर्म मुझको नहीं पता, ऐसा बाल की खाल में हम नहीं जाएंगे, जिसके लिए हमको पे करना पड़ा दोस्तों 1200 रुपए पर डे पर पर्सन। मतलब भूटान में ऐसा पर डे नहीं, पर नाइट का सिस्टम होता है। और जस्ट उसके बगल में एक थी लेडी, जो कि अगर आपको अपना ट्रेवल इंश्योरेंस कराना है, हमने नहीं कराया था, लेकिन जो हमने कराया वो था, हमने वहां से लिया भूटान का सिम, जो कि हमको मिला 200 रुपए में, एक हफ्ते का, उसमें शायद वैलिडिटी है, कुछ हमको बैलेंस मिला और 1 GB इंटरनेट मिला, मतलब जिसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, काफी सारी शॉप है वहां जाके आप ऐसा रिचार्ज करा सकते हो। तो भाई लोग ये तो बात हो गई हमारी एंट्री की, अब बात करते हैं कि अगर आप लोग अपना इंडियन व्हीकल भूटान साइड लेकर के आना चाहते हो तो उसका क्या है प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको करानी रहेगी अपनी व्हीकल की एंट्री, जिसके लिए आपको प्रेजेंट करनी रहेगा अपना ड्राइविंग लाइसेंस और अपना RC। उसके बाद में आपको जाना पड़ेगा भूटान के RTSA के ऑफिस में, वहां पर है काउंटर नंबर 9, जहां से आपको लेना रहेगा परमिट। तो दोस्तों यहां पर हुआ बहुत ज्यादा झोल, मतलब भूटान ट्रिप हो गया हमारा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, गाड़ी के लिए हमको पे करना पड़ रहा है 4500 पर नाइट। तो दोस्तों ऐसे तो हम लोगों का प्लान था भूटान में, मतलब ऐसा एक हफ्ते के करीब में रुकने का, लेकिन जिस हिसाब से भूटान में इस टाइम पे महंगाई का आलम बढ़ चुका है, हम लोगों ने अभी के लिए 3 दिन का अपना परमिट बनवा लिया है। उसके बाद में हमारा अगर मन करेगा एक्सटेंड करने का तो हम लोग इस चीज को एक्सटेंड करेंगे। बाकी कुछ वेबसाइट पे ऐसा लिखा हुआ है कि आप लोगों को भूटान आने के लिए ऐसा एक गाइड बुक करना पड़ेगा, अपना एडवांस बुकिंग कराना पड़ेगा, ऐसा हम लोगों के साथ में तो नहीं हुआ, मतलब मेरे साथ में फर्स्ट डे में तो ऐसा कोई भी सीन नहीं हुआ। बाकी ये चीज जरूर है कि अगर आप लोग भूटान में आते हो तो टूरिस्ट के लिए सिर्फ 3-स्टार प्लस ही आपको होटल ऐसा बुकिंग के लिए अलाउ होगा। मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझको रास्ते में मिल गया एक दोस्त, जिससे हम आपको मुखातिब करवाएंगे जब हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों ऐसा था सारा का सारा इन्फॉर्मेशन प्रोसीजर भूटान एंट्री का। अगर आपका कोई और ऐसा क्वेश्चन क्वेरी है जो कि मैं वीडियो में नहीं कवर कर पाया तो आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करें, मैं आपको उस चीज का रिप्लाई जरूर से करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों मुझको कितना ज्यादा मुश्किल हुई, मतलब ऐसा फिगर आउट करने में कि क्या है पूरा का पूरा प्रोसीजर। तो अभी के लिए इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू और हम लोग पहुंचते हैं टुवर्ड्स थिम्पू। तो हम कहां मिलेंगे, हम मिलेंगे रस्ते में। तो दोस्तों अब फाइनली हमारा फुनसिलिंग से लेकर के थिम्पू का सफर स्टार्ट हो चुका है। मतलब बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर नजारे और भूटान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मतलब इसको द लास्ट शेंग्रेला करके बोलते हैं, कार्बन नेगेटिव कंट्री है, मेजॉरिटी ऑफ भूटान जो है वो फॉरेस्ट रीजन है। तो यहाँ से थिम्पू होगा अनदर 140 किलोमीटर, तो इस टाइम पे हम एंजॉय करते हैं यहाँ के नजारे। तो दोस्तों ये फुनसिलिंग से 8-10 किलोमीटर आगे आने के बाद में ऐसा एक चेक पोस्ट टाइप का आया है, तो जो हमने RSTA से अपना परमिट कलेक्ट किया था थिम्पू अपारो ये सब रीजन में जाने के लिए, वो यहाँ पर हमको प्रेजेंट करना, उसके बाद में हम लोग आगे जा सकते हैं नंबर टू या थ्री। तो दोस्तों ये है रिंचिनदिंग बॉर्डर, इस वाले चेक पोस्ट पे हम लोगों को अपना व्हीकल परमिट दिखाना पड़ा, जिसके लिए हमने 4500 रुपए पर डे के पे किए हैं। और हमको अपना पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड आपको अपना ओरिजिनल यहाँ पे प्रेजेंट करना है, आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में यू आर ऑल सेट टू गो।
तो दोस्तों मतलब सीन ऐसा है कि ये पहली बार है कि मैं भूटान जा रहा हूँ, मतलब जो भी प्रोसीजर और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टूरिस्ट वाला है वो मैं आपको दे पाऊंगा, बाकी ये नहीं कि ये मोड यहाँ जाती है वो मोड यहाँ जाती है ये वाटरफॉल वहां पर जाता है, मतलब बिल्कुल अनप्लैंड टाइप का मतलब मूड आकर के मैं आ गया। सिलीगुड़ी में था, भूटान बॉर्डर खुला, बोल के मैं इधर आ गया। बाकी आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करिएगा कि आपको हाई लेवल हर चीज का ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, मतलब पॉइंट टू बी नोटेड। तो ऐसा डिवाइन मिडवे करके मिला है, काफ़ी सही बना है भाई, मतलब यहाँ पे भी बैठने का ऐसा जुगाड़ है। हाँ तो भाई ये प्लेस बहुत मस्त लगी मुझको, क्योंकि यहाँ पर है ये नज़ारे। तो भाई लोग जैसा कि मैंने दिखाया आप लोगों को, बहुत ही मस्त सा है यहाँ पर एक बना हुआ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर इन्होंने बताया ऐसा इंडियन फूड भी मिल रहा है, वैसे तो मैं थोड़ा ट्रेडिशनल भी थोड़े टाइम के बाद में खाऊंगा, लेकिन अभी सुबह से हम लोगों ने सही से खाया नहीं है तो भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो मैंने तो यहाँ पर मंगवा लिया इंडियन थाली, और चेतन ने मंगवा लिया डोसा, यहाँ पर हमने और मंगवाई है चाय। तो ये है ट्रेडिशनल टी ऑफ भूटान, शुजा बोलते हैं इसको चेतन। तो दोस्तों ये आ गई अपनी थाली, ये है रोटी, ब्रो दिस इज आलू की सब्जी राइट, एंड दिस इज सम जिंजर ब्रिंजल फ्राई, एंड दिस वन इमादासी, ओके, एंड दिस इज मसाला डोसा, ये भूटान का डिश है ना? जी 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 जी, ओके, दिस इज प्योर ब्रिटिश ट्रेडिशनल डिश, ओके। सो ही इज टीजे ब्रो, सो टीजे ब्रो यू आर फ्रॉम पारो थिम्पू, यू आर फ्रॉम पारो बट यू स्टेड इन थिम्पू फॉर 24 इयर्स राइट, सो यू ओन अ प्रॉपर्टी, यू ओन दिस प्रॉपर्टी, लाइक इफ एनी ऑफ माय फ्रेंड इज कमिंग टू थिम्पू साइड एंड इफ विल गिव यू माय रिकमेंडेशन, श्योर, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू, देन आई विल टेक अ लीव। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं रुका था डिवाइन मिडवे करके, मतलब ये आपको मेन रोड पे मिलेगा, तो इस टाइम पे कुछ ऐसा हो गया है मौसम का मिजाज। चलें चेतन, चलो यार, चलो आओ, चलते हैं आप थिम्पू की तरफ, थिम्पू की तरफ। तो दोस्तों हमारी एंट्री हो गई है फाइनली थिम्पू के लिए, अगर आप लोग सामने देख रहे हो तो वेलकम टू थिम्पू सिटी लिखा है, और इस टाइम पे टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। चलो भाई फाइनली थिम्पू इट इज, फाइनली। तो दोस्तों ये आ गई हमारी लोकेशन, होटल शांति देवा, जो कि हमको रिकमेंड किया था टीजे ने। तो भाई लोग मतलब फिर से ऐसा दरवाजा खोल के रूम टूर दिया जा रहा है आपको, यहाँ पे ऐसा रूम हीटर वगैरह लगा हुआ है, ठीक कोजी हमको मिल गया, एक डबल बेड वहाँ पे, एक डबल बेड यहाँ पे, ये चीज़ अच्छी है, वरना चेतन के साथ में मैं नहीं सोना चाह रहा था, सेफ नहीं है बोल करके। तो दोस्तों मतलब टीजे की वजह से जो मुझको मिला था काफ़ी अच्छी मुझको डील मिल गई, मतलब इस टाइम पे भूटान में फॉर इंडियन टूरिस्ट, मतलब यहाँ पे भूटान गवर्नमेंट ने ऐसे लोकल जो होटल्स रहते हैं उनको ऐसा मना कर दिया, सिर्फ 3-5 स्टार ऐसे वाला सीन था। तो यहाँ पे टीजे के रिकमेंडेशन में हमको काफ़ी अच्छी डील मिल गई, मतलब हम लोग पे कर रहे हैं 1500 इंडियन रुपीज़ स्टे के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद में थोड़ा बाहर निकलते हैं, नाश्ता पानी खाना वगैरह मतलब करते हैं, उसके बाद में जैसा रहता है आपको देता हूँ अपडेट, वरना अंटिल नेक्स्ट टाइम बोल के कट लेता हूँ।